तो भाई फिलहाल तो हम सामने देखोगे एक गोदाम जो कि बंद पड़ा है डब्बावाली का अबू शहर, जिसका ये गोदाम जो गोदाम मार्केटिंग कमेटी का गोदाम जो बंद पड़ा है, इसके ऊपर हमने जो जानकारी मिली है भाई चेयरमैन साहब की रेड प्रणाली क्या पड़ गई है। ये देखो फिलहाल जो है आदित्य देवलाल जिनकी रेड पड़ी है अड़े एकदम से इस गोदाम के ऊपर, आखिर क्या बरामद होगा, क्या मामला है आदित्य जी? राम राम जी। राम राम। क्या बात होगी एकदम अचानक, क्या क्यों कराना हुआ? एक बार अंदर चलते हैं अंदर। मामला घेर के जानकारी मिली क्यों करके है? आज आज आप अंदर देख सको भाई, तूफानी स्टाइल से आदित्य देवलाल एकदम से बंद पड़ा जो गोदाम कई दिनों से उसमें रेड मारी है और बंद गई तो चालू हालत में है, मामला कुछ और है। तो आदित्य देवलाल जी औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, आखिर क्या जानकारी है, किस तरह की इनपुट मिली थी? हाँ जी आदित्य जी, आप जो है मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हो और उस हैसियत से आपने रेड तो मार दी, लेकिन किस आधार पर क्या सूचना मिली थी? नहीं ये मैं देख रहा है आज की हमारे जो किन्नू का पैक हाउस है इसमें काफ़ी दिनों से ये काम चल रहा है, हमने शुरुआत की अब तो किसानों को कोई दिक्कत ना और काम बढ़िया व्यवस्था से चलता रहे ताकि यहाँ के इलाके के किसानों को इसका पूरा लाभ मिले। अच्छा ये समझ में आया, ये तो वो प्लांट है भाई, वो नेताजी का हाथ में दोनों हाथों में लाडू आकर जो कर दोनों हाथों में किन्नू थे आपके, और आपने को थे भाई ये किसान का किन्नू हरियाणा का किसान का वो सोने के दाम पर गोवा में जाकर, ये उसकी मेहनत प्रोसेसिंग प्लांट है, ये मेहनत है उसकी, मेहनत है उसकी जिसके उसको अच्छे दाम मिले जी, उस मेहनत के अच्छे दाम मिले। चलो कैमरामैन वरुण रेड उतिकुंगा एक बार दिखा दो, बाद में दिखावांगे। आज जी आपका गला हम भी निरीक्षण कर लिया, आज भाई शुरुआत जो है कितना हुआ है, कैसे जो है जो ये खिन्नू है किसान की जो खून पसीने की मेहनत का परिणाम है ये, और किस तरह से एक प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर से गुजरे है फिर गोवा में ये पहुंचा है या और भी देश के विभिन्न हिस्सों में। तो आदित्य देवलाल जी के लगा आपने किसान क्रांति होगी एक तरह से? मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि ये प्लांट बंद पड़ा था जिससे इस इलाके के किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, और मार्केटिंग बोर्ड का ये प्लांट था। अच्छा ये ठप पड़ा था, बंद पड़ा था? ठप पड़ा था और ये लगभग 2008 में लगा था और उसके बाद ये 2010-11 में ये बंद हो गया था, और अब मैं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बना, बनने के बाद मैंने इस प्लांट को दोबारा से चालू करने का काम किया जिससे मेरे इलाके के जो किसान हैं, जो ये बागवानी के किसान हैं जो किन्नू की फसल का काम करते हैं, उनके लिए एक नई सौगात हमने देने का काम किया इसको चालू करके। और अभी पूरा माल आ रहा है, सीज़न अब शुरू हुआ है, मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि एकदम पीक पे है, पर ये शुरुआती दौर है, जब ये पूरा पीक पे होगा तो आपको ये पूरा भरा मिलेगा, पूरा गोदाम भरा मिलेगा, भरा मिलेगा। तो फिलहाल जो है एक बार थोड़ा सा दर्शकों ने भी दिखा दिया और आप अभी चेक कर लिया, फिलहाल जो है रेट रखते हैं और ये वैसे सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है और ये क्रेट आगे चल रही है, यानी कि इसमें से इसकी ग्रेडिंग होगी, छटनी होगी, पॉलिश होगी, चमक आओगी, चमक आएगी ऑटोमेटिक। फुली वो होता है जिसमें पैकेज भी एक बार आप चेक कर लो जी, इनका खटास मिठास भी चेक कर लो। तो अब ये देखो आप, हर साइज का किन्नू इस पे आ गया है, वहाँ से ट्रे से खाली हो गई है और ये किन्नू ट्रे से इसमें आया जी। और यहाँ से इस पे ऊपर जो पत्ते या कुछ कई बारी घास फूस आ जाता है, पूरी क्लीनिंग इसके ऊपर किन्नू का ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह जम रही है, कोई भी धूल मिट्टी है तो उसको सफाई हो रही है। अब अंदर आप देखो ये पानी डल रहा है, ये वॉशिंग हो रही है। अच्छा जी। अंदर इसकी किन्नू की वॉशिंग हो रही है, इसके नीचे ब्रश लगे हैं उससे इसकी मिट्टी की सफाई और इसके ऊपर चमक जो है वो पूरी तरह इसकी ऊपर कहीं पे मिट्टी ना चिपके। आदित्य जी नूका इसका के किसान का बहुत बेशकीमती समय है जो वो बचाया जावे है, उसके प्रोडक्ट को एक नई चमक देकर और आगे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में भेजा। एक और है, इसके समय बचाया जा रहा है, दूसरा इसकी जो मेहनत है उसकी क्वालिटी अच्छी बने, उसको दाम मिले, इसके लिए इस योजना के तहत ये हमने प्लांट शुरू करने का काम किया था। अब इसको हमने दोबारा रिवाइव किया है, इसके अंदर जब यहाँ आ जाता है ये वॉशिंग एरिया है, यहाँ से इसकी धुलाई होगी, इसके नीचे ब्रश लगे हुए, अब ये धीरे धीरे साफ होगा, साफ होने के बाद यहाँ पे इसकी वैक्सीन होती है, ये वैक्स है, ये इसके ऊपर कोटिंग चढ़ाती है जो एंटी फंगस नहीं आती, गलन नहीं होगी। सड़ा सा तो ये बोया है, यानी कि किसान का जो प्रोडक्ट है यानी कि खिन्नू है
उसको मतलब एंटी फंगल बना दिया जाए, काफ़ी दिनों तक उसका, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसका भंडारण रहे, सेफ रहेगा और उसके अंदर ताजगी रहेगी, तरोताजगी, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं आएगा। ये आप यहाँ से देखोगे तो ये सफाई होने के बाद ये वैक्सीन है, ये नीचे ब्रश लगे हुए वैक्स हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपको दवाइयों का कहाँ के जो परंपरागत खेती है, आप इसके ऊपर खड़े होकर देखोगे तो वैक्स हो रहा है अंदर, चमक है, ये सही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी। आगे ड्रायर है, इसमें गर्म हवा हीटर लगे हुए हैं। अब इसको चाहे विदेशों में भी भेजा जा सकता है। अब गर्म हवा लग रही है, ये हीटर में ये इसका सूखेगा, ये इसके बाद फिर ये अलग अलग लाइन पे तो पूरे बाना बाना चेक करने लग रहे हो भाई काम सही हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ मशीन के बाहर जो आ रहा है फाइनल, अब ये पूरा सूखा हुआ है, इस पे वैक्स है जो पूरी चिपकी, अलग फील हो गया भाई इबिस का, इबिस की जो फीलिंग है वो चेंज होगी और इस जिस तरह से इसकी फीलिंग चेंज होगी उसी तरह से आदित्य देवीलाल का दावा है अभी किसान की जो ज़िंदगी है वह चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो परंपरागत खेती है गेहूं है धान है उसकी बजाय अगर इसके ऊपर बागवानी के ऊपर अगर किसान ध्यान दे है तो ज़िंदगी में कुछ आज के दौर में किसान के पास ज़मीन थोड़ी होगी, छोटी जोत का किसान आ गया, छोटी जोत के किसान के लिए फल और सब्जियों की उत्तम खेती है, उसके लिए हमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी ताकि उसकी जो फल और सब्जियां हैं उनके दाम मिले और वो मार्केट मिले, अगर मार्केट नहीं होगी तो दाम नहीं होंगे। बहुत बारी हम देखते हैं आलू टमाटर है वो हम सड़क पे डालते हैं, दाम एकदम गिर जाते हैं, लेकिन देश के हर कोने में दाम नहीं गिरता, किसी एक मंडी में ज़्यादा होंगे तो दाम गिरेंगे लेकिन हिंदुस्तानी की किसी मंडी में उसकी तेज़ी ज़रूर है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ धर्मो जी कि जिन मंडियों को में दाम ज़्यादा रहते हैं ना उन मंडियों में इसको भेजने का काम कर रहे हैं, जैसे अभी गोवा की बात आई, अब ये माल यहाँ से तैयार होगा, हमने यहाँ पे कह रखा है कोई किसान अपना मटेरियल अगर वहाँ भी ले जाना चाहे ना तो यहाँ से लेके जाएगा, हमें बताए ताकि हम वहाँ पे आगे उनके मार्केटिंग बोर्ड है उनको मैसेज करें कि हमारा किसान आ रहा है तो उसको रुकने के लिए ठहरने के लिए व्यवस्था उसकी के लिए भी सुविधा है। ले भाई बहुत बड़ी बात है, यानी कि हरियाणा का किसान देश के किसी हिस्से में जावे है तो वो कितने भी उसकी रुकन की व्यवस्था खाना पीना रहना देश का नहीं, अभी गोवा से बात हुई है, एक स्टेट कर दोगे जैसे कि मेरा मुंह तो निकल गई, बोले मेरे मुंह से निकल गई मेरी जुबान फिसल गई, इसका मतलब आप यूँ काम भी करोगे अभी देश के अलग अलग हिस्से में। देखो मेरी कोशिश है हम किसान अपना सामान उन मंडियों में लेके जाए जिन मंडियों में वो सामान कभी गया ना हो या जहाँ जाम बहुत ज़्यादा हो। अब जैसे किन्नू है, किन्नू हमारा प्रोडक्ट है पंजाब का हरियाणा का, संतरा नागपुर का है, अब वहाँ अच्छा हर फल और सब्जी ना अलग अलग मौसम की है, तो अलग अलग मौसम की है तो हम उसको मैपिंग कर सकते हैं कहाँ हमें भेजना है कैसे भेजना है, ये तमाम चीज़ें मैपिंग हो सकती है। आदित्य भाई भारतीय जनता पार्टी ने आपको बहुत महत्वपूर्ण पद दिया है, महत्वपूर्ण आपको एक जिम्मेदारी दी है, तो एग्रीकल्चर विभाग के मार्केटिंग के चेयरमैन होने के नाते किसानों के लिए जागरूकता के लिए क्या काम कर रहे हो ताकि वो परंपरागत खेती तय ऊपर उठ कर कुछ अलग तरह की खेती कर पाएं, इसके लिए क्या प्रयास आप? देखिए प्रयास निरंतर सरकार कर रही है, पूर्व की सरकारें भी करती रही हैं, ऐसा नहीं है नहीं किया होगा, लेकिन किसान को चाहिए एश्योरेंस और तभी वो अपनी खेती को डाइवर्ट करेगा। जो चावल लगाते हैं वो 1,00,000 रुपया एकड़ कमाते हैं, अगर आप उनको कहोगे कि आप सब्जी लगाओ तो उसको ये रहेगा कि तेरा 1,00,000 रुपया पक्का आना चाहिए, उससे नीचे की फसल नहीं होनी चाहिए, कम पैसे की नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमें उसको एश्योर करना, जैसे मैंने यहाँ के किन्नू के किसान को ये एश्योर किया कि भाई अगर आप गोवा जाते हो तो हम गोवा में आपको रुकने का रखने का सामान रखने का सारी व्यवस्था हम करके देंगे, तो उसको ये हो गया कि अगर व्यवस्था बन गई मेरे को कहीं तो मैं वहाँ ले कर जाऊँगा। और उसके साथ साथ किराए भाड़े में भी फ्रेट सब्सिडी हमने निर्धारित कर दी, अब ये पैकेजिंग हो रहा है जो क्रेट में जा रहा है इसको क्रेट पर भी सब्सिडी है तो इसमें भी 2 रुपये किलो इनको पड़ रहा है, किराए भाड़े में भी इनको 2 रुपये किलो बचत आ रही है, तो ये 4 रुपये का हमने इजाफा कर दिया। और उसके बाद हमने उनको वहाँ पे सामान रोकने के लिए जगह आड़े जो वैक्सीनेशन होने लग रही है या फिर ये ग्रेडिंग होने लग रही है इसमें भी किसान को छूट है और किराया भाड़ा है जो उसमें भी छूट है, चलो भाई खिन्नू के ऊपर तो चमक आएगी है, किसान के चेहरे के ऊपर चमक आओगी कि नहीं आओगी? अगर किसान का चेहरा खिलेगा तो हरियाणा में
हरियाणा में कमल खिलेगा। मैं तो और कहना चाहूँगा, आपने कहा किन्नू पे चमक आ गई, ईमानदारी की बात है किसान के चेहरे पे भी चमक आएगी अगर काम करने वाला व्यक्ति सच्ची निष्ठा ईमानदारी से और सच्ची नीयत से काम करे। मैंने अगर सही नीयत से काम किया तो मुझे पता है यहाँ के किसानों के चेहरे पे भी चमक आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई ये वो गोदाम है जो बंद पड़ा था और हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल की मेहनत के बावजूद, यानी कि उनकी मेहनत का परिणाम है, अभी किसाना के चेहरे के ऊपर चमक लाने का एक प्रयास है। तो हमने यू प्रयास किसा लग गया कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो और वीडियो ने कर दो जी लाके शेयर, शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि किसान सफल हो सके जरूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।